भाई हम सब लोग को पता होता है कि हवा का वजन होता है, पर कभी आपने इसको करके देखा है? चलिए इसको करते हैं। इसके लिए आपको एक 1.5 लीटर की प्लास्टिक की बोतल लगेगी, फिर इस बोतल के अंदर आप साइकिल पंप से हवा भरेंगे और फिर हवा भरी बोतल और हवा बिना भरी बोतल इन दोनों का वजन करेंगे और उनका अंतर हमको हवा का वजन बताएगा। इसके लिए आपको एक 1.5 लीटर की प्लास्टिक की बोतल, एक साइकिल की वैल्व, साइकिल का पंप और एक पैन बैलेंस चाहिए। ये देखिए, साइकिल की वैल्व साइकिल के ट्यूब में लगी होती है, इसको संभाल के निकालिए और उसको बोतल के ढक्कन के अंदर इस प्रकार फिट कीजिए। फिर उसके अंदर वैल्व की ट्यूब लगाइए और उसकी को अच्छी तरह से टाइट फिट कर दीजिए, उसमें से कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। और फिर इस लाल ढक्कन को आप बोतल के अंदर बिल्कुल टाइटली फिट कर दीजिए। उसके बाद में इस वैल्व के साथ में आप साइकिल के पंप को जोड़िए और पूरा दम लगा करके आप बोतल के अंदर हवा भरिए। जितनी भी आप हवा भर सकते हैं इस बोतल के अंदर उतना भर आप हवा भरिए और उसके बाद में उसको पैन बैलेंस पे रख करके तोलिए। अगर आप देखेंगे तो पैन बैलेंस इस समय 51 ग्राम दिखाता है। उसके बाद आप वैल्व को खोल दीजिए और हवा उसमें से निकल जाएगी। अब हवा बोतल में से निकल गई है। आप इस बोतल और वैल्व का दोबारा वजन कीजिए और इस बार आप देखेंगे कि खाली बोतल का भार 48 ग्राम है, यानी भरी बोतल 51, खाली बोतल 48, उसके अंदर भरी हवा का भार 3 ग्राम था। अब इस तरह से आप एक तराजू बनाइए, दोनों तरफ दो फूले गुब्बारे लटके हैं और आप एक पिन से एक गुब्बारे को फोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे क्योंकि हवा में भार होता है इसलिए दूसरा गुब्बारा नीचे की ओर चला जाएगा।